बेलन वाली बहू है पर लड़की बिल्कुल गौ है। पुलिस वाले मानने के लिए तैयार नहीं। कैसे बांध रही है? अगर रूपा वाले भूत ने मुझे ही पकड़ लिया तो? सॉरी मैम, आप भी मेरी बात नहीं सुन रहे हो। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं बोलूंगी तो किसे बोलूं? भाभी, कुछ काम था क्या? वो मैं तो नहीं कर सकती। क्या? नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी। तुम ठीक हो ना? देखो, तुम टेंशन मत लो ज्यादा, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऊपर वाले ने तो ये हाल किया है। भाभी, मेरी शालू से ना घर के काम नहीं होते, लेकिन भूतों वाले काम वो यू कर देगी। देखना, ऐसा धागा बांधेगी कि भूत उल्टे बॉयज घर से दौड़ जाएगा। देखना। क्या हुआ शालू, धागा बांध दिया ना? हाँ, बांध दिया। लेकिन तुम इतनी घबराई क्यों हो? ये क्या, काला धागा तो तुम्हारे हाथों में है। तो क्या जान दे दूं अपनी? भूत दिखा क्या? नहीं दिखा दादाजी, और मुझे देखना भी नहीं है। रूपा भी कमाल है, यहाँ पर गुस्से से बात करी थी और वहां पर कमरे में प्यार से बात करी थी भूत से। मुझसे ये नहीं होगा, आप किसी और से बनवा दीजिए। अरे लेकिन शालिनी, एक्सक्यूज मी, इस ब्लैक थ्रेड से कुछ नहीं होगा। हमको मालूम है इसको कैसे हैंडल करने का है। मुझे भी मालूम है, तुम सब कुछ हैंडल कर सकती हो। हम भी तो सुने, कैसे हैंडल करोगी तुम? होली वाटर से। होली आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। क्या तब तक रूपा को ऐसे ही देखते रहें? राज, तुम्हारा फैमिली कैसा है? अरे ये उस होली की बात नहीं कर रही है, हिंदी मीडियम। अरे पवित्र जल। राज, व्हाट इज पवित्र जल? होली वाटर। ओह, मैं समझ गया, भूत भी समझ जाएगा। तुम आगे बढ़ो। दादाजी, ये पानी वानी से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ और करना पड़ेगा। अरे तू चुप कर, सुजी ने कहा वो कर दिखाएगी तो कर दिखाएगी। भगवान करे भूत रूपा से उतरकर उस सुजी पे चढ़ जाए। अरे ये लाइट को क्या हुआ? क्या हुआ शालू, क्या हुआ? सुजी को सुझा दिया। गलत। नहीं, मैं सेक कर देता हूं। हाँ सुजी, जाओ सेक कर देता। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट। दादाजी, ये होली वाटर सुजी। अच्छा। अरे इसे पीते नहीं है, सुजी को दे देना। पता है मुझे नहीं पीते। अच्छा अब सब जाइए, जाइए रूपा को आराम करने दीजिए। चलिए ना। ठीक है, समझा। चलो पापा जी। सॉरी मम्मी जी, मैं नहीं सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा चोर। ठीक है बेटा, हो जाता है। और ये पागल सूजी भी अंधेरे में, गलती उसी की थी।
तो यही रुक, मैं अभी आई। देखिए ना ये क्या हो रहा है मेरे साथ, सुबह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। रूपा ये आप क्या कर रहे हो मम्मी जी? नजर उतार रही हूँ। नहीं मतलब घर को नजर लगी है बेटा, सबकी उतारी, तू ही बची थी। चल सो जा, परेशान मत हो। मम्मी जी मैं थक गई हूँ, बस अब और नहीं होता। कर बेटा आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। कीड़े पड़े उस भूत पिशाच को जो मेरी रूपा के पीछे पड़ा है। ऐसा क्यों लगा कि माँ ने चांटा मारा, वो भी कस के? मैंने तो सुना था कि भूत डराते हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा डरा हुआ भूत दुनिया में कोई नहीं होगा। कभी माँ की बद्दुआओं से डरता हूँ, कभी कुत्तों से, तो कभी बीवी से। पता नहीं कब खत्म होगा मेरा ये डर और ये भूतियापा। अरे कितना मारेगी माँ? चल चल। गुड मॉर्निंग। खुश रहे बेटा। खुश रहे। मैं आपके लिए चाय बना दूं? बना दीजिए भाभी। मम्मी जी आज भाभी एकदम नॉर्मल दिख रही है ना? या शी इज फाइन नाउ। लगता है नजर उतारना काम आ गया। मेरी भी उतार दे नजर प्रेम लता, मुझे भी एक भटकती आत्मा से छुटकारा चाहिए। आपके पीछे कौन सी आत्मा पड़ी है? एक सुबह शाम मेरे साथ रहती है, रात को मेरे साथ सोती है, और जब देखो लड़ती रहती है। मम्मी जी जोकिंग। रूपा के ठीक हो जाने की खुशी में जोकिंग है कि नहीं? अभी क्या सर, चल दंड लगा। बस भैया भाभी आ गई, भाभी आ गई, चाय आ गई। लीजिए। थैंक यू मम्मी। मम्मी जी आज खाने में क्या बनाऊं? आज कुछ नहीं बनाना बेटा। क्यों? बेटा कल तू कह रही थी ना कि तू थक चुकी है, और वैसे हम सब थक गए कंपटीशन में हिस्सा लेके, और जब से लड्डू गया है हम सब वैसे परेशान रहते हैं, इसलिए मैं सोच रही थी आज सब रिलैक्स करेंगे, खाना भी होटल से आएगा। और पता है मैंने पार्लर वालों को बुलाया है मसाज कराने के लिए। क्या जला दिया? अरम ऑयल। ऑयल? ऑयल ऑयल नहीं जलेगा इस घर में। मेरी कंपनी की अगरबत्ती है वो जलेगी, ऐसी खुशबू दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। मेरी फोटो भी छपी हुई है। सुनो वही जलाना जो तुम जला रही थी, ये अगरबत्ती बिल्कुल मत जलाना, क्योंकि अगर ये जलेगी तो किसी की सांस नहीं जलेगी, है कि नहीं? वही वही जलेगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, समझ गए ना? जाओ। रूपा बेटा कैसा लग रहा है? हाँ जी मम्मी जी बहुत अच्छा लग रहा है। बस बेटा ऐसे ही रहना, तुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। नजर ना लगे। भगवान करे कोई बुरा साया मेरे साया में तरफ ना आए। तू यहाँ ऐश कर रही है? कौन, 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 कौन। क्या हुआ बेटा? रूपा
कुछ नहीं, आप सब रिलैक्स कीजिए, कुछ नहीं। क्या आज सबको रिलैक्स करवा रही है, इतनी शांत हो रही है? और कल तो तांडव कर रही थी ना, मेरे पीछे बेलन लेके भाग रही थी। मैंने आपसे कल माफी मांगी ना, तो कोई एहसान किया था? अरे चुप कर जाइए ना, सबके बारे में तो सोचिए। क्यों सोचूं सबके बारे में? तू सोचती है मेरे बारे में? तुझे पता है मेरी क्या हालत हो गई है? ऊपर टैंकी में सोता हूँ, कुत्ते मेरे पीछे दौड़ते हैं, मेरे घर वाले मुझे देख नहीं सकते, दो घोड़ी का भूत बना के रख दिया मुझे। अरे पति मता लोग मातम मनाते हैं, तू मसाजे करवा रही है, ककड़ी लगा के बैठी है, आंखों के ऊपर फेशियल करवा रही है। शर्म कर रूपा की बच्ची, शर्म कर, तू शर्म कर। चैन से जीले, मुझे मार के इसको चैन से जीना, देख ही नहीं सकते ना मुझे, इनसे क्या बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया? अब मुझे क्यों ताना मारते रहते हो? मैंने थोड़ी ना बाला द्वारा को बुलाया, मम्मी जी ने बुलाया ना, अब उनको बोलो ना, मुझे बात बात में ताना क्यों मारते रहते हो? अब कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? पता नहीं किसकी आत्मा पीछे पड़ी है मेरी बच्ची के, सत्यानाश हो जाए उसका, कीड़े पड़े उसे, कुत्ते खाए उसकी आत्मा को। मम्मी जी, रूपा की नजर ठीक से उतरी नहीं है। तो और क्या करूं, खुद चढ़ जाऊं उसे सर पे, उसका भूत उतारने के लिए। सुजी, तुम्हारे पास और कोई तरीका है रूपा को ठीक करने का? तुम डॉक्टर हो ना? डॉक्टर नहीं, नर्स है ये। एक ही बात है, दवा और दर्द दोनों की समझ है इसे, और क्या चाहिए? राज, रूपा का केस ना हमारा बस का बाहर है। बोल लिया आप सबने, बोल लिया, अब मैं बोलूं? Well, ये एक स्पेशल केस है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसे सॉल्व करने के लिए एक स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट मतलब? स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट, जिसे 2 साल पहले हवालात में बंद किया था, उसे बुलाना होगा। ओम ग्रीम ग्रीम ड्रीम चामुंडाय नमः, ओम ग्रीम ग्रीम ड्रीम चामुंडाय नमः, ग्रीम ग्रीम ड्रीम चामुंडाय नमः, ओम ग्रीम ग्रीम ड्रीम चामुंडाय नमः। हेलो निरंजन, इसको किसने बुला लिया? ये तो मुक्ति कराएगा मेरी, मैं नहीं आऊंगा इसके सामने। तू गया बेटा, चल आ जा, आ जा बेटा, आ जा, आ जा बेटा, बैठ बैठ। मम्मी जी, हाँ ये सब क्या हो रहा है? बेटा तेरी शांति के लिए। मेरी शांति के लिए क्यों? मेरी शांति के लिए, घर की शांति, सबकी शांति, मन की शांति, सब कराते हैं ये। निरुपति तभी हर साल आते थे ये। मैं तो पहली बार आया हूँ। बड़े भुलक्कड़ है ये, रहने दे। आप शुरू कीजिए। मम्मी जी एक सेल्फी लेने दीजिए ना, झाड़ी वाली। अरे शालू, झाड़ी नहीं झाड़ू होता है। अरे इनके बाल झाड़ी जैसे है ना, तो झाड़ी वाली। शुरू कीजिए, हो गया। नमः। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल, निकल, निकल बाहर, निकल। आलोक निरंजन, बच्चा खड़ी हो जा। मैं खड़ी हो जा, पर खड़ी हो, सबको तो खड़ी हो। अच्छा हाँ हाँ, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन। ये आप क्या कर रहे हो मम्मी जी? नजर उतार रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, आपको यहाँ पे मेरे लिए बुलाया गया है?
पूजा जी को यहाँ पे मेरे लिए बुलाया गया है? ओ, हाँ मम्मी जी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। आप सब कुछ बोलते क्यों नहीं? पापा जी, आप तो कुछ बोलिए ना। अच्छा, आप सबको लग रहा है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, है ना? मैं पता नहीं किससे बातें करती रहती हूँ, क्या करती रहती हूँ पूरे दिन। आज मैं आप सबको बताती हूँ कि मेरे पीछे कौन सा भूत पड़ा हुआ है। आपका लड्डू मेरे पीछे पड़ा हुआ है माँ। जितेंद्र भैया, आपके लड्डू भैया मेरे साथ हैं। मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे बातें करते रहते हैं, मुझे दिखते हैं। वो पहले की तरह मुझे डांटते भी हैं। दादाजी, मैं सच कह रही हूँ, वो यही है। वो होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जब किसी को बहुत याद करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो आसपास नहीं है। दादाजी, है वो यही पर है, इसी घर में है। आप सब मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? आप सबको सबूत चाहिए ना, बस वही नहीं है मेरे पास। ना ही उनके जाने का सबूत है, ना ही यहाँ होने का सबूत है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो है, वो यही पर है। मैं सर्च कर रही हूँ। मैं देखती हूँ। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पूजा तेरे लिए कराई थी? हम जानते हैं लड्डू है, तुझे दिखता है। ये पूजा हमने इसलिए कराई थी कि हम चाहते वो हमें भी दिखे। हमारा भी तो कुछ था ना, वो हम भी उसे देखना चाहते हैं। सच? हाँ, अब देखो ना, पूजा करा दी तो अब हमें भी दिखेगा लड्डू। सच में मम्मी जी, आपको भी दिखेंगे वो? बिल्कुल। तो इस वक्त वो वहां अलमारी के ऊपर बैठे आपको दिख रहे? हाँ हाँ, वो रहा लड्डू ऊपर। पागल कहाँ चढ़ के बैठा है? उन्हें बोलिए ना, मुझे तंग ना करें। हाँ अभी कहती हूँ। खबरदार लड्डू, जो मेरी बहू को तंग किया तो एक थप्पड़ खाएगा मेरे से। मैं, तुम मुझे देख सकती हो माँ? तुझे क्यों लगता है लड्डू कि सिर्फ रूपा तुझे देख सकती है? हम भी देख सकते हैं। सच? खबरदार, जो मेरी बहू को तंग किया तो। मैं नहीं करता माँ, ये खुद ना मुझे। चुप, एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं। कितनी प्यारी बहू है हमारी, खामखा उसे तंग करता रहता है। पता कितना रोती है, आगे से रुलाना नहीं उसे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। चुप चुप। मम्मी जी। हाँ? किससे बातें कर रही हैं आप? लड्डू से। लड्डू भैया, जितेंद्र, अब हमने पूजा करा दी है। हाँ? अब हम सबको दिखता है लड्डू। मुझे दिख रहा है, तुझे भी दिख रहा है ना लड्डू? वहाँ कहाँ? अरे वहाँ वहाँ अलमारी के ऊपर जो बैठा है लड्डू। कहाँ चढ़ के बैठे हैं आप लड्डू भैया? नीचे उतरिए ना, खाना खाते हैं। तुम्हें दिख रहा हूँ जितेंद्र भैया, आपको दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं लड्डू भैया, खाना खाते सब वेट कर रहे हैं। पूजा करा दी, सबको दिख रहा है। चल खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं। चलिए खाना खाऊंगा मैं, इनको भी दिख रहा हूँ। ये क्या शुरू कर दिया आपने? अरे परेशान है बेचारी, नाटक कर ले उसके लिए थोड़ी देर। चल चलो। नाटक? माँ, अच्छा हुआ आप लोग देख पा रहे हो मुझे। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूपा क्या चीज है। अरे रूपा बेटा बैठ ना, आप भी बैठ जाइए। हाँ लड्डू, तू भी बैठ।
शालिनी प्लेट लगा दे। मम्मी जी लगा तो दी चीतू की प्लेट। लड्डू के लिए प्लेट लगा दे। किसकी? चलो लड्डू भैया सामने बैठे हैं, उनकी प्लेट लगा दो। हाँ शालिनी, अब हम सबको दिख रहा है ना लड्डू, यहाँ है ना शालिनी, तुझे दिख रहा है ना लड्डू? अरे हाँ, मैं अंधी थोड़ी हूँ जो मुझे दिखाई नहीं देंगे, मुझे तो पहले से ही दिखते थे, बस मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। ये लो प्लेट लगा ली आपकी, खाइए। रूपा लड्डू बेटा, तुम दोनों आपस में लड़ा मत करो, प्रेम से रहा करो, तेरे पापा जी और मेरी तरह। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कहती है, लड़ना तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं अपने हाथों से लड्डू को खाना खिलाऊंगी। मैं हाथों से खिलाऊं ना? खाओ भैया खाओ, अच्छे से खाओ। अरे अचार, रूपा तुझे पता है ना लड्डू बिना अचार के खाना नहीं खाता, जा ले आ। मैं तो भूल ही गई, अभी लाती हूँ, आराम से आना। मुंह से खाता हूँ मां। अच्छा खाना बाद में खाऊंगा। माँ 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 माँ, एक राज की बात बताता हूँ। माँ माँ पता है मेरे साथ जो हुआ वो हादसा नहीं था, पता है माँ हुआ क्या था? ये जो रूपा है ना माँ, इसने मुझे जान से मारा है। जितेंद्र बेलन से मारा था, बेलन से, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई हादसा नहीं हुआ था भाई, मर्डर हुआ है तेरे भाई का। भाई तू तो इंस्पेक्टर है ना, इसको अरेस्ट करवाना, अब तो देख भी सकता है, तूने मेरी बात सुन भी ली है, प्लीज इसको अरेस्ट कराना भाई। क्या पागलपन है ये? नहीं पागलपन नहीं है माँ, सच्ची बोल रहा हूँ। ये पागलपन ही तो है रूपा का, जो उसे लड्डू दिख रहा है और उसके साथ हमें भी नाटक करना पड़ रहा है। लेकिन मम्मी जी हमें ये एक्टिंग कब तक करनी पड़ेगी, कब तक हमें ये समझना पड़ेगा कि ये खाली कुर्सी लड्डू भैया है? जब तक रूपा ठीक नहीं हो जाती बेटा। मतलब मैं किसी को नहीं दिख रहा हूँ, ये सबके सब नाटक कर रहे थे, ये मेरा भाई भाभी माँ सब झूठे, एक नंबर के झूठे हो सब लोग। मम्मी जी लड्डू बेटा, मम्मी जी अचार लो, खाली खाली। हाँ खाओ खाओ। अरे भैया आम का अचार लो ना, अगर ये पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए नींबू का अचार मंगवा दूंगा। खाना लड्डू भैया, बच्चे कितने भी बड़े हो जाते हैं ना, माँ के लिए तो नन्नी मुन्नी ही रहते। हाँ खा खाओ, खा लो। आप उनको खिला रहे हो? हाँ खा भी रहा है, देखो कितने प्यार से खा रहा है। मम्मी जी वो वहां नहीं है, वो वहां है। अरे अभी अभी यही था, मैं खिला रही थी। जी अब सबको लगता है कि मैं पागल हूं ना, मैं पागल नहीं हूं, आपके बेटे ने मुझे पागल बना के रख दिया है। मैंने पागल किया? खुद मुझे मार के बैठी है, कह रही मैंने तुझे पागल बनाया। हाँ पागल तो आप ही ने बना के रख दिया, जब तक आप जिंदा थे एक बार भी मेरी तरफ नहीं दिखते थे, और अब आप मर गए हो तो मेरी तरफ देखते रहते हो, मेरा ही पीछा करते रहते हो, सबकी नजरों में मुझे पागल बना के रखा है आपने। देखिए देखिए ना कैसे सब देख रहे हैं मुझे, देखा अभी, इनको लग रहा है कि मैं हवा से बात कर रही हूं। जीना दुश्वार कर दिया है मेरा आपने सच में, इससे अच्छा यही होता कि मैं मर ही जाऊं, मर ही जाऊं, मैं जीना ही नहीं है मुझे। तू नहीं मरेगी रूपा, तू नहीं मरेगी, तू 10-20 को और मार के मरेगी। रूपा कहां गई है? छत की तरफ। क्यों? अरे वो कह के नहीं गई, इससे अच्छा कि मैं मर ही जाऊं तो ऊपर वो सुसाइड करने गई। सुसाइड? हां मम्मी जी सुसाइड करने गई है। अरे प्रेमनाथ जी जल्दी आइए, रूपा सुसाइड करने जा रही है। प्रेमनाथ जी जीतू। हां क्या कर रहे हो? मैं 2-3 कर रही हूं तो खा ले। सुसाइड हो रहा है, चलो ना मुझे चलो। अच्छा रूपा 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 बचाओ बचाओ। मम्मी जी मां, मम्मी जी मम्मी जी, मम्मी बाप क्या कर रहे हो? रूपा तुझे बचाने आई थी। मुझे? मैं तो यहाँ हूँ। फिर बकवास, मैं रूपा होती तो मैं ऐसे नहीं लटकती। मम्मी जी मम्मी जी, अरे बहू ये कहाँ लटक गई तू? अरे ये कौन सा नया तरीका है कपड़े सुखाने का?
अरे ये तो खुद को सुखाने के लिए लटक गई बहू। सुधी कुछ करो, वो गिरेगा, चोट लगेगा, उसके बाद हम ड्रेसिंग करेगा ना। अरे बचाओ उसको। अरे पहले पता लगाइए कि मम्मी जी का पैर फिसला था कि किसी ने उनको धक्का दिया था। अरे तू अपनी पुलिसगिरी बंद कर, देख रहे तेरे चक्कर में माला टक गई। अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? अरे रूपा बेटा, तुझे कोई दोष नहीं दे रहा है, होनी को कौन टाल सकता है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो तेरी दादी भी एक दिन इसी तरह लटक गई थी। पिताजी अपनी कहानियां बाद में सुनाइए, कोई मुझे बचाएगा? अरे अगर ये गिर गई तो हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। अरे तू देख क्या रहा है, मदद कर। अरे नहीं नहीं, उन्हें लटके रहने दो, पहले एक सेल्फी तो ले लूं, लटकू वाली। लटकू वाली? अरे मम्मी जी लटकी हुई है ना। मैं तो बस एक बात जानता हूं कि सब के सब पागल है। बहु एक मिनट आता हूं। किसको पागल बोला? अपने बाप को पागल बोलता है? आपको नहीं बोला, सबको बोला, मतलब दादाजी को ही बोला। बोला तू और आग लगा। किधर है आप? Where's the fire? No fire. I am firing him. मुझे पागल बोला? मुझे पागल बोला। मेरे रहते कोई भी कानून हाथ में नहीं लेगा, तू रहेगा ही नहीं। बचाओ! कोई माँ को बचाएगा? देखा क्या करूं? मम्मी जी रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। तुम नीचे क्यों आई है? मेरी माँ ऊपर लटकी पड़ी है, तू कपड़े सुखा रही है? कपड़े नहीं सुखा रही, मुझे रस्सी चाहिए ताकि मैं मम्मी जी को हेल्प कर सकूँ। अरे कुएं में बाल्टी थोड़ी गिरी है, छत पे मेरी माँ लटकी है, रस्सी से क्या करेगी तू? तू एक काम कर, ये टेबल ले, इस टेबल पे खड़ी होकर बचा। हाँ तो तू एक काम कर, तू मेरे कंधे पे खड़ी हो जा और मुझ पे चढ़ के माँ को बचा ले। एक सेकंड, ये क्या आइडियाज देते जा रहे हो आप? आप चुप रहिए ना प्लीज, आप मुझे सोच लीजिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए प्लीज। अरे माँ क्या करूँ मैं? माँ माँ मैं एक मिनट, हटिए हटिए हटिए, कहाँ जा रही है? ये माँ बेटे का मिलन कराएगी आज माँ। रूपा मम्मी जी रुकिए, मैं अभी आई। नहीं नहीं मैं क्या करूँ, ये तो मैं भगवान। भैया भैया मेरी हेल्प कीजिए ना। वो मम्मी जी, मेरी माँ बेहोश पड़ी है, इनको छोड़ के कहाँ जा रही है तू? आंखें खोलो प्रेमलता, आंखें खोलो माँ। रूपा तुम्हारी ले जाने, मम्मी जी आंखें खोलो, मम्मी जी आप ठीक तो है ना? आप अपनी आंखें खोलिए, ठीक तो है ना मम्मी जी? आप ठीक तो है ना? रूपा बेटा। हाँ माँ, इसी की वजह से लटकी थी तुम। रूपा तूने आज मेरी जान बचा ली, निरूपा होती तो मैं नहीं बचती, लेकिन आगे से तू ऐसी बात मत करना कभी। कैसी बात मम्मी जी? ये मरने मरने की बात बेटा, तुझे कुछ हो गया तो हम सब का क्या होगा? लड्डू तो चला गया लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देंगे हम, जैसी भी है हमारी बहू है तू,
पीने के लिए पानी लेके आ। रूपा जी मम्मी जी, क्या तुझे सचमुच लड्डू दिखता है? बोलना, दिखता हूँ, इधर ही खड़ा हूँ। कोई फायदा नहीं इन लोगों को सच बताने का, ये मेरी बात कभी नहीं मानेंगे, उल्टा मेरी वजह से ऐसे ही किसी ना किसी मुसीबत में पड़ते ही रहेंगे। उनके दिखने का सच मुझे इनसे छुपाना ही होगा। चुप क्यों है बेटा, तुझे लड्डू दिखता है क्या? नहीं मम्मी जी, वो मुझे नहीं दिखते। वो मेरे मन का वहम था जो अब दूर हो चुका है, मुझे वो नहीं दिखते। कमाल है, मैं रूपा की जान बचाने गई थी और खुद रूपा ने मेरी जान बचाई। वैसे बोला किसने था कि रूपा छत पे आत्महत्या करने जा रही है? शालू ने। जीतू, वो उसने बोला था कि मैंने सोचा था कि। अरे शालू, तुमने जो सोचा होगा बिल्कुल सही सोचा होगा। अगर तुम्हें लगा कि रूपा भाभी सुसाइड करने गई है तो वो सुसाइड करने गई होंगी, वो अलग बात है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर लिया। यू डोंट फील गिल्टी। जितेंद्र भैया, आपको नहीं लगता कि जब से आप सस्पेंड हुए हो आपको भाभी पे कुछ ज्यादा ही प्यार आता है? आएगा ही प्यार, पुलिस ने तो निकाल दिया है, बीवी ने निकाल दिया तो कहां जाएगा? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? हाँ, बात करना। रूपा ऑलराइट है ना? कल तुम कितना वेट उठाया था। अच्छा, आज तुम लटक जाओ, तुम्हें भी उठा लेंगे। बहू, प्यार से बात नहीं कर सकती तुम इससे? हाँ, ये रूपा का हालचाल ही तो पूछ रही है। जिनके अपने चाल ढाल ठीक ना हो, दूसरों के हालचाल नहीं पूछा करते। प्रेमलता, शांत हो जाओ, हंसते के वक्त भी है। वैसे रूपा बेटा, तुमने प्रेमलता की जान बचाई, हम तुम्हारे ऋणी हो गए। क्या हो गए? ये पिताजी बताएंगे, बताओ। राज, व्हाट इज हिरनी? हिरनी? हिरनी नहीं, रिणी, रिणी, रिणी मतलब मतलब रिणी कर्जदार। व्हाट इज कर्जदार? कर्जदार प्रेम, उधर क्या देख रहा है? थप्पड़ लगाऊंगा तुझे मैं। तन कहां से चुन चुन कर लाता है रिणी रिणी और पता नहीं क्या क्या। बाद में बताऊंगा, बाद में बता दूं। सचमुच रूपा बेटा, मेरी जान बचाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे फसाया भी तो इसी ने था, बताना। एहसान? मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? पहले मुझसे बात कर दो। मुझसे बात करना, बात क्यों नहीं कर रही है? अरे बात क्यों नहीं कर रही, इसको भी नहीं दिख रहा क्या? रूपा, बात तो कर मुझसे, सुबह से बकवास किए जा रहा हूँ, जवाब ही नहीं दे रही है। नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी और सबके सामने ना आपकी तरफ देखूंगी भी। क्यों? कल ऐसी बात पे तो मम्मी जी की जान खतरे में पड़ गई थी। और आप भी सबके सामने मुझसे बात मत कीजिए, मेरा नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। रूपा बेटा, अरे खाली कब रख के चली गई, चाय तो लेके आ। देखा, फिर से आपकी वजह से। लेकिन रूपा, तू मुझसे अब आप सबके सामने मुझसे बात नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं तुझसे बात करने के लिए? अरे मैं तो वैसे ही मर चुका हूं। नहीं, तू जा, सबको चाय पिला, बाकी सबसे बातें कर। मुझसे बात नहीं करनी ना, मत कर, मुझे भी नहीं करनी। बात छोड़, मैं तुझको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। अब तू तरसेगी मुझसे बात करने के लिए रूपा, तू तरसेगी। मेरा मतलब वो नहीं था, आप सुनिए ना। रूपा चाय। आई मम्मी जी। ले आ बेटा। आ गए। मम्मी जी ना, ट्रे के साथ मैं केटल भी अंदर लेके गई। सॉरी सॉरी। आज निरूपा होती तो। रहने दीजिए, होता है, चलेगा बेटा, कोई बात नहीं। यहाँ रखो। ओ हेलो भाई साहब, कौन हो और ये क्या? साहब अंबिया लाए हैं। हमने कोई अंबिया नहीं मंगवाई थी। अजीब आदमी है,
बता के भी नहीं गया किसने मंगाई है। अब उसके पैसे कौन देगा? पैसे भरे आपके दुश्मन, ये अंबिया आपका ये दामाद लाया है। अरे जी, ओह जी, इतने दिनों बाद मम्मी पापा दादाजी कहाँ हो आप सब लोग? गुड़िया गिरी, जिमी बेटा इतनी सारी अम्बिया क्यों खरीद लाया? खरीद के नहीं लाया हूँ, अपने बाग से लाया हूँ। बाग से मतलब? वो क्या हुआ ना मम्मी जी कि... मैं बताती हूँ, इस बार है ना फिर से इन्हें कोई नया काम करने की सूझी थी। oh, no. पूरा का पूरा बगीचा है ना किराए पे ले लिया, वो भी 10 लाख रुपए में। जिमी जी जो पहले तो आप इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचने का काम करते थे ना? हाँ वही करता था, बड़े लगन के साथ करता था, लेकिन अफसोस कंपनी वालों ने मुझे नौकरी से निकाल दी। क्यों? मम्मी जी सिर्फ एक महीने में मैंने 10 लोगों को इंश्योरेंस कवर पॉलिसी बेची थी, वो भी पूरे 10 करोड़ की। बेटी ये तो बहुत अच्छी बात है, है कि नहीं? तुमने इतनी सारी पॉलिसी निकाली फिर उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? क्योंकि उसी महीने 10 के 10 लोग गुजर गए। और कंपनी को 10 करोड़ भरने पड़े, इसीलिए कंपनी ने मुझे मनहूस करार देके नौकरी से निकाल दिया। और निकलने के बाद इन्होंने आम का बगीचा किराए पे ले लिया 10 लाख में, और वो बाग वाले को कह दिया कि 1 महीने के अंदर पूरे के पूरे पैसे वापस लौटा दूंगा। जब मैंने पूछा इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे तो बोले ये अंबिया है ना उनको हाफूस बनाऊंगा और एक्सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन बेटा अंबिया को आम बनने में कम से कम 3 महीने लगते हैं, 1 महीने में कैसे हो सकता है? वही थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। मुझे लगा जमीन अच्छी है, ऊंचे मजबूत पेड़ है, तो मेरा काम 1 महीने में हो जाएगा। बट बेटा मुझे देख, मैं इतना लंबा तगड़ा, प्रेमलता भी अच्छी खासी तंदुरुस्त है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बच्चे 4-4 महीने में पैदा हो गए। भाई आदमी को 9 महीने और आम को 3 महीने लगते। अरे यही बात इनको कौन समझाए पापा, एक तो 10 लाख रुपए दे नहीं पाए, ऊपर से बाग की सारी अंबिया चुरा लाए। Whatever, but क्या करेगा इतना सारा का? हाँ बेटा अचार डालोगे क्या? Exactly, अचार ही डालेंगे। रंजन आ रही है। चलो 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 आप ये पकड़ लीजिए। मैं दामाद हूँ इस घर का, मैं नहीं करूंगा ये सब। बेटा हमें तो पता है तू इस घर का दामाद है, इस घर की दीवारों को तो नहीं पता ना। ठीक है ना सुजी? तुम ठीक है? चलो चलो बच्चों आ जाओ, हाँ यहीं पे खड़े रहना। कैसे हो सब लोग? अच्छे ही होंगे। चलती हूँ, आज बच्चों की छुट्टी है ना, आ रही हूँ बेटा। वापस रख। अरे 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 डांट क्यों रहे हो, बच्चे ही तो है, ले ले बेटा दो दो ले ले। ए, वापस रख, मुफ्त का माल समझा है क्या? ओ जिमी खबरदार, जो मेरे बच्चों को आंखें दिखाई है तो ला बेटा ला दे। छोटी सोच, छोटा आदमी, छोटे आम, मुंह पे मारूंगी तेरे। लो सुनो मेरी छोटी सोच। हाँ मैं छोटा आदमी? हाँ। अरे तो तू क्या है, है? रोज सवेरे सवेरे आती है हमारे घर में कटोरा लेके भीख मांगने के लिए, भिखारन कहेगी? तूने मुझे भिखारन बोला? हाँ। मैं तो चलो शक्कर लेके चली जाती हूँ, लेकिन तूने तो अपने सास ससुर को लाखों में डुबो दिया है। पीठ पीछे ताने मारते है तेरे, कैसा मनहूस जमाई मिला है उन्हें।